नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 53 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि 79% सीटों पर महिला वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में होंगी। बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी के जीत के फॉर्मूले पर महिला प्रत्याशी फिट नहीं बैठ पा रही हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर देखें तो अब तक केवल 33 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दोनों दिग्गज नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी दुर्ग में सभा को संबोधित करेंगे, भाजपा उम्मीदवारों को जितना अपील करेंगे साथ ही जिताने की भी अपील की जाएगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बैठकों के माध्यम से ये रणनीति तैयार की जा रही है। उनमें बताया जा रहा है कि उनकी आम सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभा से अधिक भीड़ कैसे जुटाई जाए, इस पर मंथन किया जा रहा। बिलासपुर जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सोमवार को 32 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भर दिया था, जबकि तख्तपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और संसदीय सचिव रश्मि सिंह, मस्तूरी विधायक भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांगी और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव और निर्दलीय तोलाराम रेलवानी सहित 4 दावेदारों ने नामांकन पत्र जमा किया। दरअसल पहले चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन लेने और जमा करने का समय खत्म हो गया है। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नाम निर्देशन पर पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर को दी गई है। रायगढ़ खरसिया NH 49 पर ग्राम चपली के पास खरसिया पुलिस और उड़न दस्ता दल की टीम ने 5 लाख रुपए का पटाखा जब्त किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उड़न दस्ता दल FST स्थैतिक निगरानी दल SST और पुलिस की टीम लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। दरअसल ग्राम चपली के पास चेकिंग के दौरान ऑटो क्रमांक CG 12BE 6659 को पटाखा परिवहन करते हुए पकड़ा गया। खरसिया पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।